हिंदुस्तान के आसमान का सबसे बड़ा रक्षक राफेल वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल हो गया है। आज अंबाला से जो तस्वीरें आई हैं उनमें आपको भारत का आत्मबल नजर आएगा। अंबाला एयरबेस पर राफेल के औपचारिक तौर पर वायुसेना में शामिल होने पर भव्य कार्यक्रम हुआ। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री ने भी शिरकत की। राफेल के वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने का मतलब यह है कि अब वो किसी भी मिशन के लिए बिल्कुल तैयार है। चौथी जनरेशन का सबसे फुर्तीला लड़ाकू विमान अब वायुसेना की ताकत शान है। वायुसेना को उसका बाहुबली मिल गया। आज औपचारिक रूप से राफेल वायुसेना के तरकश में शामिल हो गया। आज अंबाला एयरपोर्ट पर इतिहास रचा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली मौके पर मौजूद थे। परंपरा के मुताबिक सर्वधर्म यानी हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई धर्म के अनुसार पूजा की गई। और इसके बाद राफेल की ताकत से वायुसेना लैस हो गई। भव्य नजारा था, ऐतिहासिक क्षण। पराक्रमी राफेल को वाटर कैनन की सलामी दी गई। जहां देश भर के लोगों के लिए यह गर्व का क्षण था, वहीं पाकिस्तान और चीन को ये तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होंगी। इसके बाद वो वक्त आ गया जब राफेल की ताकत, उसकी चपलता, उसकी सुपरसोनिक स्पीड देखकर लोग दंग रह गए। अंबाला के आसमान में भारत की ताकत दिख रही थी। वायुसेना के तूफान राफेल के साथ दमदार सुखोई की उड़ान देखी। दुश्मन के आसमान में ये जोड़ी बहुत घातक है। फाइटर प्लेन जगुआर और आसमान में भारत का तेज फैलाने वाले तेजस ने भी अपनी ताकत दिखाई। मानो अपने नए साथी का स्वागत कर रहे हैं। वायुसेना का बाहुबली अब किसी भी ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। राफेल की 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में औपचारिक एंट्री इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। साथियों, आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। टुडे इज अ स्टेलर अचीवमेंट फॉर बोथ ऑफ आवर कंट्रीज। टुगेदर वी आर राइटिंग अ न्यू चैप्टर इन इंडिया फ्रांस डिफेंस टाइज। वी आर फुली कमिटेड टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव as well as to the further integration of Indian manufacturers into our global supply chain. राफेल फाइटर विमान ने एयरफोर्स की हवाई मारक क्षमता को और धार दी। आज की दुनिया में किसी हथियार से जैसी अपेक्षा होती है, राफेल उसमें ऑलराउंडर है। एयर डोमिनेंस का बादशाह, पलक झपकते ही दुश्मन पर वार करने का माहिर। देश का रक्षक है, लेकिन दुश्मन को अपनी रक्षा करने का मौका नहीं देता। राफेल इंडियन एयरफोर्स का टॉप गन है। जमीन पर मौजूद सेना को बेजोर सपोर्ट देता है। राफेल लड़ाकू विमान का कॉम्बैट रेडियस 1700 किलोमीटर है। साथ ही ये दो इंजन वाला विमान है।
राफेल में तीन तरह की मिसाइल लगाई गई, हवा से हवा में मार करने वाली मिट्योर मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। इसके अलावा जल्द ही स्पाइस 2000 को भी इसमें जोड़ा जाएगा। वी आर एडिंग अ न्यू चैप्टर इन अंबालास एंड इंडियन एयरफोर्स ग्लोरियस हिस्ट्री। यू ऑल हैव विटनेस्ड राफेल एयरक्राफ्ट टेक टू द स्काइज एंड डेमोंस्ट्रेट सम ऑफ इट्स मैनूवर्स एंड एजिलिटी। द फुल रेंज ऑफ मिशंस एंड द कैपेबिलिटी एनहांसमेंट दैट दिस एयरक्राफ्ट ब्रिंग्स टू द इंडियन एयरफोर्स इज फार मोर इम्प्रेसिव। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है, यानी राफेल एक मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल ऊंचाइयों पर लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है, ये हवा में ही फ्यूल को भर सकता है। राफेल पर लगी गन एक मिनट में 2500 फायर करने में सक्षम है। राफेल में बेहद मजबूत रडार सिस्टम है, ये 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट्स की पहचान कर सकता है। भारत को मिले राफेल लड़ाकू विमान करीब 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाकर ले जाने के लिए सक्षम है, साथ ही 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान की भी गारंटी है। चीन ताकतवर है, लेकिन राफेल का खौफ उसे भी है। वो जानता है कि लद्दाख में उसकी एयरफोर्स लंबी लड़ाई के लिए अनफिट है और राफेल यहाँ तबाही मचा सकता है। यही वो डर है जो चीन को परेशान कर रहा है। ये डर अच्छा है, क्योंकि राफेल की ताकत चीन के ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ती है। भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने एयरबेस अंबाला एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमान आधिकारिक तौर पर वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 5 राफेल लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया और इसके साथ ही सुखोई एलसीए तेजस जैसे विमानों ने राफेल का स्वागत किया यहां पर फ्लाई पास के जरिए। और अब खास तौर से लद्दाख में चीन से लगने वाली सरहद पर जो इस वक्त विवाद चल रहा है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, ऐसे में राफेल लड़ाकू विमान दोनों मोर्चों पर यानी चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तरह से तैनात है। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ मुजतेगी अंबाला आज तक। अब खबर की पूरी पिक्चर को समझने के लिए सवाल जवाब के रूप में कुछ बातें आपको हम बताते हैं। इससे आपको साफ अंदाजा होगा कि राफेल की तैनाती चीन के लिए कड़ा संदेश क्यों है। पहला सवाल ये कि राफेल के अटैक का दायरा क्या है, अंबाला में तैनाती से क्या फायदा होगा। अंबाला से लद्दाख की दूरी करीब 430 किलोमीटर, ये दूरी आपको ज्यादा लग सकती है लेकिन सुपरसोनिक विमान के लिए ये बहुत कम दूरी है। इसके अलावा राफेल के अटैक का जो दायरा है वो करीब करीब 1700 किलोमीटर के घेरे में होता है। इसका मतलब ये कि लड़ाकू विमान और इसके हथियार इस सर्कल में कहीं भी मार कर सकते हैं। इस सर्कल में पूर्वी लद्दाख, चीन के अवैध कब्जे वाला अक्साई चिन, तिब्बत, पाकिस्तान और पीओके है। दूसरा सवाल यह है कि राफेल लद्दाख जैसे ऊंचे क्षेत्र में कितना कारगर है, तो इस सवाल का जवाब है भारत ने अपने राफेल विमान में जो बदलाव करवाए हैं उनमें से एक बदलाव जेट इंजन का भी है, जिससे इस लड़ाकू विमान को ऊंचाई और बेहद कम तापमान पर उड़ान भरने की ताकत मिलती है। चीन के पास इतनी ऊंचाई पर राफेल जैसी मारक क्षमता वाला भरोसेमंद विमान नहीं है। चीन को अपने J-20 पर बहुत गुरूर है लेकिन राफेल के सामने J-20 बहुत हल्का पड़ जाता है। चीन का J-20 उसी इंजन का इस्तेमाल करता है जो सोवियत संघ के Su-30 में इस्तेमाल होता था, लेकिन राफेल का इंजन ज्यादा भरोसेमंद है, ज्यादा लंबे समय तक चलता है और इसका मेंटेनेंस भी लंबे समय तक किया जा सकता है। राफेल विमान अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा ईंधन और हथियार उठाकर उड़ सकता है, ये क्षमता J-20 पर बहुत भारी पड़ती है। राफेल की मारक क्षमता ज्यादा है और एक बार की उड़ान में 4 मिशन को अंजाम दे सकता है जबकि J-20 ऐसा नहीं कर सकता। राफेल में एक उड़ान में कई हमले करने की ये खूबी युद्ध की परिस्थितियों में बहुत मायने रखती है। दूसरी तरफ चीन का J-20 मल्टीपल मिशन को एक साथ अंजाम देने में सक्षम नहीं है। युद्ध क्षेत्र में राफेल का अनुभव बेजोड़ है, इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में हुआ, लीबिया में हुआ, सीरिया में हुआ, जबकि J-20 ने अब तक असली युद्ध क्षेत्र का अनुभव नहीं लिया।